गार्डन में लैपटॉप लिए एक लड़के से बुजुर्ग दंपति ने कहा, बेटा हमें फेसबुक का अकाउंट बना दो। लड़के ने कहा, लाइए अभी बना देता हूँ, कहिए किस नाम से बनाऊँ। बुजुर्ग ने कहा, लड़की के नाम से कोई भी अच्छा सा नाम रख लो। लड़का ने अचंभे से पूछा, फेक अकाउंट क्यों? बुजुर्ग ने कहा, बेटा पहले बना तो दो फिर बताता हूँ क्यों। बड़ों का मान करना, उस लड़के ने सीखा था तो उसने अकाउंट बना ही दिया। अब उसने पूछा, अंकल जी प्रोफाइल इमेज क्या रखूँ? तो बुजुर्ग ने कहा, कोई भी हीरोइन जो आजकल के बच्चों को अच्छी लगती हो। उस लड़के ने गूगल से सर्च करके डाल दी, फेसबुक अकाउंट ओपन हो गया। फिर बुजुर्ग ने कहा, बेटा कुछ अच्छे लोगों को ऐड कर दो। लड़के ने कुछ अच्छे लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर दी। फिर बुजुर्ग ने अपने बेटे का नाम सर्च करवा के रिक्वेस्ट सेंड करवा दी। लड़का जो वो कहते करता गया। जब काम पूरा हो गया तो उसने कहा, अंकल जी आप तो बता दीजिए आपने फेक अकाउंट क्यों बनवाया। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई, उनकी पत्नी की आंखें से तो आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरा एक ही बेटा है और शादी के बाद वो हमसे अलग रहने लगा। सालों बीत गए, वो हमारे पास नहीं आता। शुरू में हम उसके पास जाते थे तो वो नाराज होता जाता था, कहता आपको मेरी पत्नी पसंद नहीं करती, आप अपने घर में रहिए, हमें चैन से यहाँ रहने दीजिए। कितना अपमान सहते, इसलिए बेटे के यहाँ जाना छोड़ दिया। एक पोता है और एक प्यारी पोती है, बस उनको देखने का बड़ा मन करता है। किसी ने कहा कि फेसबुक में लोग अपने फैमिली की और फंक्शन की इमेज डालते हैं, तो सोचा फेसबुक में ही अपने बेटे से जुड़कर उसकी फैमिली के बारे में जान लेंगे और अपने पोता पोती को भी देख लेंगे, मन को शांति मिल जाएगी। अब अपने नाम से तो अकाउंट बना नहीं सकते, वो हमें ऐड करेगा नहीं, इसलिए हमने ये फेक अकाउंट बनवाया। बुजुर्ग दंपति के नम आँखों को, उसने पत्नी के बहते आंसुओं को देखकर उस लड़के का दिल भर आया। सोचने लगा कि माँ बाप का दिल कितना बड़ा होता है, जो औलाद के किरदन होने के बाद भी उसे प्यार करते हैं, और औलाद कितनी जल्दी माँ बाप के प्यार और त्याग को भूल जाते हैं।